हेलो बच्चों, सॉल्यूशन चैप्टर क्वेश्चन नंबर 25 में आपका स्वागत है। तो बोल रहा है अमंग्स द फॉलोइंग कंपाउंड आइडेंटिफाई विच आर इनसॉल्युबल, बिल्कुल ना डूबेगा, पार्शली सॉल्युबल और हाईली सॉल्युबल इन पानी। अब पहली बात पानी को समझना पड़ेगा। पानी होता है अपना पोलर और लाइक डिजॉल्व लाइक, तो कोई पोलर मिल गया तो इसको मजा आ जाएगा, ठीक है। तो फिनॉल जो होता है उसमें एक OH होता है, एक OH मतलब ठीक ठाक पोलैरिटी तो होगा, एटलीस्ट थोड़ा मोड़ा तो होगा, ठीक है। तो फिनॉल पानी से इंट्रैक्ट थोड़ा मोड़ा कर जाएगा, ये रहा अपना फिनॉल डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस। लेकिन क्या ये बहुत अच्छा माना जाता है? नहीं माना जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पार्शली सॉल्युबल, पार्शली सॉल्युबल। सेकेंड है टॉलुइन। टॉलुइन क्या होता है? एक बेंजीन रिंग, उसके ऊपर CH3, ये सारी चीज़ अपना ऑर्गेनिक में पढ़ाया जाता है। अब इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दिख रहा है, क्या कार्बन और हाइड्रोजन इंट्रैक्ट कर सकता है पानी से उतना अच्छा से? कार्बन हाइड्रोजन तो नॉन पोलर होता है, तो नॉन पोलर वाला इंट्रैक्ट नहीं कर सकता है। तो सेकंड का अपन जवाब क्या देंगे कि टॉलुइन क्या है? नॉन पोलर है, और क्योंकि पानी पोलर था तो नॉन पोलर भाई साहब का कुछ नहीं हो सकता है, इसको बोलेंगे इनसॉल्युबल, ठीक है। थर्ड नंबर फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड किसी को भी बना करके देखना है। फॉर्मिक एसिड मस्त सा चीज़ है, HCOH। क्या बहुत सारा इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है? पहले से ज़्यादा है ना, और इसमें पता है रिजोनेंस होता है, डेल्टा माइनस इधर इधर दोनों तरफ अच्छा खासा आता है, तो ये काफ़ी इंट्रैक्ट करता है। तो बोला जाता है कार्बोक्सिलिक ठीक ठाक सॉल्युबल होता है, तो ये अपना हो गया हाईली सॉल्युबल, ठीक है। अल्कोहल जनरली कम सॉल्युबल होते हैं, तो ये था अल्कोहल। आप ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये अल्कोहल है, आप समझ जाए पानी में। ये देखिए यूनिवर्सल क्वेश्चन है, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर चैप्टर में ये पढ़ाया जाएगा। अल्कोहल फंक्शन ग्रुप में अल्कोहल पढ़ाया जाएगा, कार्बोक्सिलिक में कार्बोक्सिलिक पढ़ाया जाएगा, तो ये पता होना चाहिए ओवरऑल, ठीक है। नॉन पोलर नहीं सॉल्युबल होगा, फिर कार्बोक्सिलिक आया तो कार्बोक्सिलिक अपना सॉल्युबल होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं ओइक एसिड जो होते हैं वो पानी में अच्छे खासे डूबते हैं। फोर्थ अपना इथाइलिन ग्लाइकोल है। इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है? इसमें दो OH होता है, ठीक है। अब दो OH के पास इंट्रैक्ट का बहुत सारा माध्यम है, दिख रहा है अपने को पानी से इंट्रैक्ट करने का, तो दो OH वालों को देखा गया है। तो अगेन ये अल्कोहल है लेकिन दो दो OH है कार्बोक्सिलिक की तरह, जैसे कार्बोक्सिलिक के पास भी दो ऑक्सीजन था, तो ये भी अपना हाईली सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है। डाईहाइड्रोक्सी टाइप बोल सकते हैं इसको, कि दो दो हाइड्रोक्सी ग्रुप है ना, तो ये भी हाईली सॉल्युबल माना जाता है। फिफ्थ अपना है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म हम लोग को पता है, पिछले क्वेश्चन में देखे हम लोग नॉन पोलर होता है CHCl3, तो ये काफ़ी कम पोलैरिटी होगा, काफ़ी ही कम, ठीक है, ऑलमोस्ट नॉन पोलर होता है क्लोरोफॉर्म भी, तो इसको बोलते हैं नॉन पोलर। और नॉन पोलर साहब जो होते हैं ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपना सिक्स्थ नंबर है जो कि है पेंटानॉल। अगेन एक अल्कोहल, पाँच कार्बन वाला एक OH के साथ, अगेन मोनोहाइड्रोक्सी, तो मोनोहाइड्रोक्सी को फिर से क्या बोल देंगे? पार्शली सॉल्युबल है ना, जो फर्स्ट पार्ट था वैसा ही है ये, तो इसको भी हम लोग बोलेंगे पार्शली सॉल्युबल, क्लियर, ठीक है, ओके, बाय एवरीबॉडी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।